गुड आफ्टरनून फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीच. महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात. ही वॉज फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी एंड ही इज ऑल्सो एज बापू एंड द फादर ऑफ द नेशन. हिज फादर नेम इज करमचंद गांधी एंड मदर नेम वॉज पुतलीबाई गांधी एंड वाइफ नेम वॉज कस्तूरबा गांधी. ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस. महात्मा गांधी लाइफ इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू. परम आदरणीय प्रधान एवं प्राचार्य शिक्षक एवं भाइयों एवं बहनों, बड़ी हर्ष की बात है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर कुछ कहने का मौका मिला है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था. उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था. इनके माता का नाम पुतलीबाई था. इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा के साथ हुई. इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, देवदास, मणिलाल व रामलाल. इनका प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई. इसके बाद उन्होंने 1888 में कानून के पढ़ाई के लिए लंदन चले गए. उसके बाद उन्होंने वहां से लौटे और मुंबई में वकालत की. और माता का नाम पुतलीबाई था. उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था. उनको प्यार से गांधी जी उन्हें बात होकर पुकारते थे. गांधी जी एक सत्य और अहिंसा के पुजारी थे. उन्होंने हमेशा हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे करने के लिए हमेशा सहयोग किया. उन्होंने अपने देशवासियों को प्रेरित किया कि हमें अमीरों से कैसे लड़ना है, उनसे कैसे आजादी पाना है. तब अपने आप को पूरे देश के लिए समर्पण किया. गांधी जी का कहना था कि हम विदेशी चीजों का उपयोग ना करके हम अपने खुद भारत में बनाए और उसका सही तरह से उपयोग करें. हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं पर हमें अपने आप को शिक्षा के अभाव में हम अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं. हमें सोचते हैं कि छोड़ो कहीं तक पढ़िए, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा ऐसे कमी है तो नहीं पढ़ पाएंगे. लेकिन हमें ये गलत सोचते हैं. हमको अपने आप को साबित करने के लिए हमें कमाना चाहिए, हमें अपने परिवार को भी चलाना चाहिए. लेकिन उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम कितने अच्छे हैं. हमारे अंदर हर एक प्रकार की प्रतिभा छुपी होती है. जिस तरह हमारे महापुरुष अपने आप को प्रदर्शित करते आए हैं, उन्होंने अपने आप को ऐसे महान साबित किया कि हमें देखकर हमारे बच्चे भी सीखें. वैसे ही हमें अपने आप को इतना अच्छे इंसान बनाना चाहिए और ईमानदार बनाना चाहिए कि जिससे लोग कहें कि हाँ, ये इस गांव का एक अच्छा छात्र है. महात्मा गांधी का कहना था कि हमेशा सत्य की पूजा करो, जो करना है अपने आप से करो, किसी से कोई मतलब नहीं. अपने आप को इतना अपने आप को निखारो कि लोग कहे कि हाँ, एक किस इंसान है. और महात्मा गांधी अब देश के लिए बहुत सारे चीज किए. हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री का विजन हुआ, जो अच्छे एक नायक के रूप में प्रदर्शित हुए. महात्मा गांधी का उन्हीं का मनाया जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ फर्क जाता है या कुछ करता है. तो महात्मा गांधी और शास्त्री जी ने देश के लिए जो दिया, उसका तुलना शब्दों में करना बहुत ही कम होगा. सागर में गागर भरने जैसी बात होगी उसके बारे में कुछ भी कहना. आज पूरा दुनिया में महात्मा गांधी जी की पढ़ाई हो रहा है, उनके पद चिन्हों पर चलने की बात हो रही है. उसकी जो शांति के संदेश थे, उसे पूरा दुनिया आज मान रहा है, अपना रहा है. दुनिया में विभिन्न देशों में उनकी मूर्तियां लगाई जा रही है. यह उनकी महानता थी. और गांधी जी हमेशा कुछ भी करने से पहले उसे अपने जीवन में उतारते थे. वह जब विदेश में वकालत की पढ़ाई करके आए, उस समय वह टोपी, चश्मा और क्या क्या नहीं पहनते थे, कोट पहनते थे सब कुछ. परंतु देश में आए तो देखे कि देश में ये स्थिति है कि यहाँ के लोग नंगे रह रहे हैं, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है. तो उन्होंने भी अपने कपड़े को सीमित कर दिया. एक बार एक महिला गई महात्मा गांधी के पास और बोली कि ये मेरा बेटा है, 5 साल का, यह प्रतिदिन मीठा खाता है, मैं इसे मना करती हूँ परंतु यह मान नहीं रहा है.
तो महात्मा गांधी को है कि माता जी इसे चार दिन के बाद आप लाइएगा। पुनः जब वह माता अपने बच्चे को लेकर गई बापू के पास तो उन्होंने कहा कि बेटा मीठा खाना अच्छी चीज नहीं है, इसे छोड़ दो। तो उस महिला ने पूछा कि महात्मा जी आप तो उस समय भी यह बात बोल सकते थे लेकिन आपने नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कि उस समय मैं स्वयं रोज प्रतिदिन मीठा खाता था और जब मैं खाता था तो इसे कैसे मना कर सकता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और उसके बाद इसे शिक्षित मैं कर रहा हूँ, यह बात कह रहा हूँ। तो कोई भी चीज अपने जीवन में करना और कहना दोनों अंतर होती है। आज समाज में महात्मा गांधी जी के बारे में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती है, क्या क्या कहा जाता है, परंतु वे महान थे और आज भी हैं और आने वाले समय में भी महान रहेंगे। उसी प्रकार शास्त्री जी हैं, जब देश में घोरा काल पड़ी थी उस समय इनको प्रधानमंत्री का पद मिला और इन्होंने इस पद को इस तरह निर्वाहन किया जैसे कोई सेवक हो। उन्होंने कभी खुद को प्रधानमंत्री नहीं समझा, देश का आम पब्लिक समझा, उस तरह रहे, उस तरह वेशभूषा बनाए रखे, उस तरह अपने पद का प्रयोग किए और देश को विकसित किए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।